अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम पेट मार्केट में आए हुए हैं और आज हमने बहुत कुछ लेना है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखाते हैं और बहुत प्यारी चीज़ है। ये देखें, हैंड टेम है ये बादशाह, मगर ये रेगिस्तान के इलाके से आया हुआ है। ये देखें, ये बहुत प्यारा बादशाह है। तो शयान तो मुझे कह रहा है पापा ले लो, मगर जो इजहान है ना वो डर के अंदर चला गया, वो नहीं लेने, वो कह रहा नहीं लेना। अब्दुलरहमान आप क्या कहते हो, लें कि ना लें हम इसे? ना लेना अभी? हाँ, ये कार्ड लेता है। तो दोस्तों आज हमें ना गोल्डन पफ के साथ ना वाइट पफ भी नज़र आ गया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत प्यारी मुर्गी है वाइट पफ में। ये देखें दोस्तों, ये देखें एक मुर्गी ये है और ये गोल्डन है, और ये देखें इसके बाद और भी हैं। ये देखें ये दो, ये बहुत प्यारी मुर्गी है। ये देखें दोस्तों आपको ना बहुत प्यारे प्यारे ना बजरी के जोड़े दिखाता हूँ। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे से हैं। ये देखें, तो हमें इनमें से ना कुछ पसंद आ गए हैं तो हम पैक करवाने लगे हैं। ये देखें, तो आपको फिर घर चल के दिखाएंगे हम कौन कौन से ले रहे हैं। तो ये देखें दोस्तों हम और भी ले रहे हैं। ये देखें हमें बहुत पसंद आए हैं। ये देखें शयान के पास भी है और ये वाले भी हम पैक करवा रहे हैं। ये देखें, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ना एक ऐसे पिजन नज़र आए हैं जो बिल्कुल वाइट कलर के हैं, मगर उनकी जो धूम है ना वो सिर्फ ब्लैक कलर की। ये देखें बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये सारा बिल्कुल वाइट है और ये देखें इसकी धूम जो है ना ये ब्लैक है। ये देखें ये नर है और वो देखें ये वो मादी है। ये देखें बिल्कुल एक जैसी है दोनों। ये देखें बहुत ही प्यारे हैं दोस्तों ये दोनों। दोस्तों यहाँ से ना हमने बहुत सारा कुछ ले लिया सामान, तो अब हमने ना मुर्गी भी लेनी है, तो अब हम मुर्गी लेने जा रहे हैं। तो वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं कि कौन सी मुर्गी हमें पसंद आती है, फिर वो हम लेंगे। तो दोस्तों हम ना घर आ गए हैं जल्दी जल्दी से, तो क्योंकि हमारी जो है ना डग्स वगैरह ये देखें बहुत भूखी हैं और इनको भूख लगी हुई है, तो इनकी वजह से ना हम जल्दी जल्दी आ गए हैं। देखें हमने अपने रैबिट के लिए ना ये देखें गाजरें यहाँ डाल दी, और इनके लिए आज कुछ नया भी लेकर आए हम। ये देखें आज अब इनको ब्रेड डालेंगे, ये देखें ये रोटी डालेंगे, और ये हम ना आटा भी लेकर आए हैं आज। तो हमने इनको कभी आटा भी खा के इनको खिलाते हैं, देखते हैं खाते कि नहीं खाते हैं। तो दोस्तों मैं इनको अब खोलने लगा। अब्दुलरहमान खोल दो इनको। तो ये देखना दोस्तों ये कितनी तेज़ तेज़ आएंगे। ये देखें रैबिट भी सब, ये देखें ये देखें दोस्तों डक्स आई हुई हैं। तो ये देखें इनके लिए पानी भी भरा हुआ है मैंने। ये देखें, तो ये देखें इन्होंने हमला शुरू कर दिया। और वो बड़ी वाली डक्स भी खोल दो शयान, बड़ी वाली डक्स भी। ये देखें दोस्तों ये बड़ी वाली डक्स भी आ गई और एक आते ही पानी पी रही है। और ये देखें ये तो बड़े शौक से आटा भी खा रहे हैं दोस्तों। अब्दुलरहमान डाल रहा है इनको और बड़े शौक से खा रही हैं, मगर इनके रोज़ की तरह ना इनका शोर बहुत ज़्यादा है। और ये देखें दोस्तों हमारे रैबिट भी खा रहे हैं, और दो रैबिट हमारे कहाँगे, एक तो वो अंदर है और एक रैबिट लगता है इसके पीछे चला गया होगा, वो इसके पीछे ही चला जाता है जब भी हम खोलते हैं ना। वो देखें दोस्तों एक ये बैठा हुआ है। तो ये देखें दोस्तों हमारे टर्की बर्ड्स ने ये देखें पूरे का पूरा आटा ही ना उठा के किसी को नहीं खाने दे रहे, पूरा उठा लिया है। ये देखें दोस्तों ये देखें ये किसी को नहीं खाने दे रहा, तो हमें चाहिए इसे थोड़ा थोड़ा ना सबको खिलाते हैं। अब्दुलरहमान ये पकड़ो सारा, शयान इनको थोड़ा थोड़ा खिलाओ सबको। तो दोस्तों हमने ना अपनी कैटों को भी खोल दिया है, और ये देखें ये हमारी कैटो ये देखें दूध पी रही है, उसका बच्चा भी दूध पी रहा है। ये देखें तो दोस्तों ये हमारे टर्की बर्ड्स ना दोनों पागल हो गए हैं बिल्कुल। ये इस मुर्गी को भी अभी मार रहे थे, तो हमने इनको बड़ी मुश्किल से रोका है। ये बहुत गुस्से में आए हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, ये बहुत गुस्से में है। तो अब ये खड़े हुए हैं आराम से। ये देखें अभी इन्होंने हमला भी कर देना है इसके ऊपर। अभी ये देखिए दोस्तों ये मुर्गी की भी लड़ाई होगी साथ। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों एक मुर्गी दोनों के साथ लड़ रही है। ये देखें मैच बड़ा दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है दोस्तों। ये देखें ये देखें दोस्तों टर्की बर्ड आपस में भी लड़ना शुरू हो गए हैं। ये देखें वो उसे मना कर रही है नरकों के ना मारो से। ये देखें दोस्तों ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, इनको क्या हो गया। ये देखें दोस्तों ये दोनों लड़ रहे हैं, पहले ये मुर्गी के साथ लड़ रहे थे, तो अब ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। ये देखें तो मुझे लगता है दोस्तों ये टर्की बर्ड्स ना हम वापस करने चाहिए हमें, ये हमें नुकसान पहुँचा देंगे कोई ना कोई। ये देखें मुर्गी भी मार रही है उसको, ये देखें टर्की बर्ड्स भी आपस में लड़ रहे हैं, ये तो उनकी आज बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई है। तो दोस्तों जो हम नई मुर्गी लेकर आए ना वो भी हम इसके अंदर छोड़ने लगे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। देखेंगे हम नई मुर्गी लेकर आए, बड़ी प्यारी सी है, तो ये देखें इसको भी हम ना इसके अंदर छोड़ने लगे। जैसे वो देखें ये हमारी पहले वाली मुर्गी है ना, तो वैसी है, मगर इसके अंदर ये देखें थोड़ा सा ना गोल्डन शेड है, उसके अंदर बहुत कम है। तो इसको भी शयान छोड़ दो,
ये देखे दोस्तों, हमने इसको भी छोड़ दिया मगर ये अभी डर रही है इनसे, इसलिए देखे अलग हो गई इनसे। तो ये मुझे लग रहा है, ये देखे दोस्तों, ये टर्की बर्ड्स ना फिर इसको भी मारने के लिए आ रहा है। ये देखे दोस्तों, ये देखे मुझे लग रहा है, अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है। देखे मुझे लगता है ये मारेगी, जरूर मारेगी इसको। ये देखे दोस्तों, इसके पीछे लग गया था अभी ये दोबारा से, तो हमने इसको उधर कर दिया। तो दोस्तों हमने अपने ना गोल्डन पफ को भी खोल दिया, और ये देखें वो ये रहा, ये इधर खड़ा है, आराम से खा रहा है, ये आटा भी बड़े शौक से खा रहा है। और ये नई वाली मुर्गी भी इस तरफ आ गई है, और ये मुर्गा भी इधर है, जबकि ये पुराने वाली मुर्गी और ये पुराने वाला मुर्गा ये इधर है, ये देखें। तो दोस्तों ये आपस में ना बहुत लड़ते हैं, और ये जो रेड वाली मुर्गी है ना, ये नई मुर्गी को ये भी मार रही है। तो दोस्तों शयान मुझे कह रहा है, पापा ये ना मुर्गी नहीं, मुर्गा है। तो अब हम आज इसे चेक करेंगे अच्छी तरह कि मुर्गी के मुर्गा, क्योंकि ये सबको मारता है, ये वाला, ये रेड वाला, ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये देखें। तो दोस्तों हमने ना पहले जो ना रेड वाली मुर्गी को छोड़ा हुआ था, और ब्लैक वाली मुर्गी को पकड़ा हुआ था, तो जो रेड वाली मुर्गी ना वो मार रही थी। अब हमने ना रेड वाली मुर्गी पकड़ ली और हमने ब्लैक वाली छोड़ दी, मगर अब जो ब्लैक वाली है ना वो मार रही है। देखें दोस्तों, ये देखें, आपको भी दिखाते हैं, ये देखें, अब ये उछल उछल के मार रही है। तो हम तो परेशान हो गए हैं कि हम इनका क्या करें। ये देखें हम किसको पकड़ें और किसको छोड़ें, ये तो सब आपस में लड़ रही हैं। तो दोस्तों हमने एक सरप्राइज और लेकर आए हैं, आपको भी दिखाते हैं, बहुत प्यारा सा है। ये देखें जहान ने पकड़ा हुआ है, ये देखें दोस्तों हम ये पिजन लेकर आए हैं। ये देखें एक मैंने पकड़ा हुआ है, एक जहान ने पकड़ा हुआ है, तो इनको भी हम छोड़ने लगे हैं। ये देखें, ये हमने छोड़ दिया इसको भी, और ये देखें, तो देखते हैं हमारे टर्की बर्ड्स। ये देखें दोस्तों, ये फिर पड़ा टर्की बर्ड्स, ये हमारा टर्की बर्ड्स ना ये पागल हो गया मुझे लगता है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये कोई पिजन को नहीं छोड़ रहा, किसी मुर्गी को नहीं छोड़ रहा, तो ये सबको मार रहा है टर्की बर्ड्स। आज तो ये आपस में भी लड़ाई करना इन्होंने शुरू कर दी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि टर्की बर्ड्स सब इसी तरह करते हैं या सिर्फ ये हमारे वाला करता है। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये सब करते हैं या सिर्फ मेरे वाले ही कर रहे हैं लड़ाई। दोस्तों इन्होंने ना अब सब कुछ खा लिया है, तो लास्ट में जो हम डालते हैं ना, आपको पता हम कीमा डालते हैं। तो ये देखें, ये सब मेरे पास खड़ी हैं, ये देखें, ये खाने के लिए देखें दोस्तों, इनको अब कीमा डालना है हमने। मगर हमारी कैटो ये देखें आज फिर बाहर निकली हुई है, तो इससे हमने छुपा करना इनको कीमा डालना, और पता नहीं क्या खा रही है कि मुझे लगता है कैटो कुछ मिल गया इसको, वो खा रही है। ये देखें मैंने अभी कुछ थोड़ा सा कीमा डाला था, मुझे लगता है वही खा रही है। तो अब इनको हम कीमा डालने लगे हैं। तो ये देखें दोस्तों, कैटो का मुंह उधर है, तो हमने ये कीमा इनको डाला। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों कैसे ये लड़ते हैं आपस में, इनको बहुत पसंद है। ये छोटी डक्स तो देती ही नहीं है ना किसी को भी। ये देखें जो हमारे टर्की बर्ड से ये रह जाते हैं, और बड़ी वक्त को बिल्कुल भी नहीं पड़ता चलता ना उनको। ये देखें ये खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी वाली डक्स ना जो, ये अभी हमारे जहान को पड़ गई थी, काटने लगी थी। तो दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे मिलने कर आए हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कौन से सब्सक्राइबर मिलने के लिए आए हैं। ये देखें दोस्तों, वाल सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, क्या देखने आए हैं आप, गोल्डन पफ देखने आए। तो ये देखें, ये है गोल्डन पफ हमारा। तो दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर नन्हे मुन्ने से आए हैं, इन्होंने गोल्डन पफ देखना है। तो दोस्तों एक सरप्राइज आखिरी है जो रह गया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें आज हम ना बजीज लेकर आए हैं, ये देखें बहुत सारे और बहुत प्यारे प्यारे से। ये देखें तो दोस्तों, ये देखें हमने इन सबको ना, ये देखें छोड़ दिया अंदर, और ये बड़े आराम से बैठे हुए हैं अंदर। तो दोस्तों आपको ना अपने मिट्टू से भी तो मिलवा दूं, आज कल के व्लॉग में तो वो आया नहीं था, ये देखें आज आ गया हमारे घर। ये देखें तो दोस्तों, ये देखें जहान ने पकड़ा हुआ है, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। तो ये देखें दोस्तों हमारा मिट्टू भी आ गया, और बहुत हैप्पी है ये हमारा मिट्टू। तो ये देखें दोस्तों हमारा मिट्टू अब्दुलरहमान के पास जाने लगा, उससे प्यार कर रहा है। तो अब्दुलरहमान इसको पकड़ने लगे हैं, मगर ये देखिए अब्दुलरहमान से नाराज़ हो गया मिट्टू। ये देखें दोस्तों, तो ये चला गया अब हमारा मिट्टू अब्दुलरहमान के पास। तो इजहान ने देखे कैटो का बच्चा पकड़ लिया, और ये देखिए ये उसके शोल्डर पे बैठ गया हमारा मिट्टू, बहुत शरारती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सब ने ना ये देखे सब कुछ खा लिया, ये देखें। तो मैं सोच रहा हूँ इनको अंदर बंद कर दूँ, क्योंकि अभी हमने अपने पिजन तो खोले नहीं है, वो अंदर है, टर्की बर्ड्स उनको बहुत मारते हैं, तो इसलिए हमने ना उनको भी नहीं खोला। तो इनको हम बंद करने लगे हैं, फिर उनको खोलेंगे हम अपने पिजन को। तो दोस्तों हमने अपने ना पिजन सारे खोल दिए, ये देखिए अभी आराम से दाना खा रहे हैं, और इन सबको मैंने ये देखिए बंद कर दिया, ये टर्की बर्ड सबको मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे नए वाले पिजन है ये बहुत बड़े हैं,
ये जो पहले वाले पिजन्स हैं ये देखें, और प्यारे भी बहुत हैं ये। तो अभी ये दाना वगैरह कुछ नहीं खा रहे, अभी ये वैसे खड़े हैं, जबकि जो हमारे पहले वाले पिजन हैं ये देखें ये दाना वगैरह खा रहे हैं। तो देखें दोस्तों ये कितने प्यारे लग रहे हैं हमें, ये देखें सारे मिलकर खा रहे हैं, क्योंकि आज कोई और जानवर या परिंदा नहीं है जो इनको तंग करे, तो इसलिए देखें दोस्तों ये कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े मिलजुल कर खा रहे हैं देखें। जबकि ये दो हमारे जो नए वाले हैं सिर्फ ये अलग खड़े हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये भी एक दो दिन तक ना इनके दोस्त बन जाएंगे और ये भी इनके साथ फिर खाया करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे आज के सरप्राइज़ कैसे लगे हैं। ओहो दोस्तों ये देखें, ये मुर्गा हमारा लड़ने लगा कैटो के साथ, ये देखें। तो कैटो डर के ना इधर आ गई है, ये देखें, ये अभी उसके बच्चे को देखे कैसे देख रहा है, जैसे उसे मारने लगाओ। तो हमारा मुर्गा डर रहा है देखे कैटो से।